अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चने बॉईल करना सिखाएंगे। हर किसी का अपना मेथड होता है, मैं जिस तरह से बॉईल करती हूँ मैं आपको वो दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने लिए 1 किलो चने, 2 टेबलस्पून सॉल्ट, एक चुटकी सोडा, मीठा सोडा जो होता है, और ये फ़िलहाल हमने लिया है 1.5 लीटर पानी। एक पॉट में हमने चने डाल दिए। इतना पानी डालना है कि चने आराम से इसमें सोक हो जाए, और इसको हमने ओवरनाइट छोड़ना है। अगर आप ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम 4 घंटे आपको छोड़ना है। और इसमें हमने ऐड किया मीठा सोडा, अच्छे तरह से मिक्स कर दिया। तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद हम इसे बॉईल करेंगे। ओवरनाइट को सोक करने के बाद चनों को अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि उनसे सोडा निकल जाए। और देगची में हमने तकरीबन 2.5 लीटर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। देगची में पानी, नमक, चने ऐड करके कवर करके हम इन्हें तकरीबन 1 घंटा कुक करेंगे। 1 घंटे बाद चने तकरीबन पक के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉईल हो गए हैं। अब हम इन्हें स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेन कर लिए हैं। इनको अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद हम इन्हें फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, और तकरीबन 1 माह तक आप इसको 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। सालन में, चाट में, किसी भी चीज़ में जिसमें आपको अच्छे लगें आप यूज़ कर सकते हैं। ठंडे होने के बाद चने इस तरह से आप किसी भी एयर टाइट जिपलॉक बैग में या एयर टाइट बाउल्स में डाल के फ्रीज कर सकते हैं, और 1 मंथ तक इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं।